बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हैक्स विद साइमा। मर्द हो या ख्वातीन, झुर्रियों का मसला तकरीबन सबके साथ ही होता है। इस मसले के हल के लिए ख्वातीन महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं ताकि उनके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां जाहिर ना हो और जिल्द खराब ना लगे, लेकिन हर कोई इन महंगी प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं सकता और ना ही वक्त से पहले झुर्रियां दूर करने के लिए महंगे इलाज करवा सकता है। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से वक्त से पहले जिल्द पर नमूदार होने वाली झुर्रियों से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर एक, एग वाइट। आपने एक अंडा लेना है और उसकी जर्दी और सफेदी दोनों को अलग कर लेना है। आपने एग वाइट को अपने फेस पर लगाना है और हल्का हल्का सा मसाज करना है। कम से कम 15 मिनट तक इसे ऐसे अपने फेस पर लगा रहने दे जब तक ये मुकम्मल तौर पर ड्राई ना हो जाए। इसके बाद नीम गर्म पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। अंडे की सफेदी में शामिल कुदरती विटामिन बी और ई झुर्रियों को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। नंबर दो, सौंफ। झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए आप एक पैन में पानी गर्म करें और इसमें एक मुट्ठी सौंफ शामिल करके इस पानी को जोश दे दें। जब भी आप सुबह सोकर उठें तो अपना फेस इस सौंफ के पानी से धो लें। इस पानी को इन जगहों पर ज़्यादा लगाएं जहाँ झुर्रियाँ ज़्यादा मौजूद हों। इस सौंफ के पानी के जरिए आपकी झुर्रियाँ यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। नंबर तीन, जैतून का तेल। कुदरती जैतून का तेल आपकी जिल्द को नरम और मुलायम और चमकदार रखने में आपकी मदद करता है। अपने चेहरे पर सोने से पहले जैतून के तेल के चंद कतरे का मसाज करें और नरम तौलिए से साफ कर दें। जब सुबह आप सोकर उठेंगी तो आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग नज़र आएगी। नंबर फोर, लेमन। लीमू ऐसी चीज़ है जो ब्यूटी से मुतालिक हर मसले में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो किसी और चीज़ से हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा लीमू के रस को झुर्रियों और छाइयों पर रोज़ाना दिन में 2 मरतबा लगाएं और खुश्क होने पर सादा पानी से अपने मुंह को धो लें। ये ना सिर्फ झुर्रियों को कंट्रोल करेगा बल्कि ओपन पोर्स को भी ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को डीप से क्लीन करेगा। नंबर फाइव, टोमेटो। टमाटर एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसका इस्तेमाल मुनासिब तरीकों से हमें फ़ायदा पहुंचाता है और झुर्रियों के खात्मे के लिए टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। एक टमाटर काट कर इसका गूदा चेहरे पर मल लें और अच्छी तरह 15 मिनट तक मसाज करें। ये गूदा झुर्रियों के अंदर मौजूद जिल्द की सफाई करके ना सिर्फ जिल्द को नरम करता है बल्कि जिल्द में मौजूद ना नज़र आने वाले जरासीम भी मारता है। नंबर सिक्स, अनियन। अनियन में एंटी बैक्टीरियल एंटी फिंगर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यही वजह है वो झुर्रियों से जिल्द को बचाने का काम करती है। अब अगर आप चाहती हैं कि जवान नजर आए तो प्याज का एक गोल कतला काट लें और इससे चेहरे और जिल्द को अच्छी तरह से मसाज करें। अच्छी तरह मसाज करने के बाद अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें। नंबर सेवन, टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में तो आप सबको ही मालूम होगा ये सेहत व जिल्द के लिए कितनी मुफीद है। हल्दी और पानी का गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट को हफ्ते में 2 से 3 बार अपने फेस पर लाजमी अप्लाई करें। ये जिल्द में खून की गर्दिश को बहाल करेगी और झुर्रियों और छाइयों का खात्मा करेगी। इसके अलावा आपकी जिल्द के दिगर मसाइल को हल करने में भी आपकी मदद करेगी। नंबर एट, योगर्ट। योगर्ट में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारे स्किन को ना सिर्फ मॉइस्चराइज करते हैं बल्कि झुर्रियों और इनकी वजह से ख़राब होने वाले जिल्द को नरम मुलायम बनाने का काम करते हैं। ठंडी दही को जिल्द पर आधे घंटे के लिए लगाएं और खुश्क होने पर सादे पानी से धो लें। अगर आप रोजाना जिल्द को अच्छी तरह पानी से साफ करके भाप लें तो भी ये झुर्रियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।